सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट, दबाए बेल आइकन और पाएं एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें सबसे पहले। मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। रणवीर सिंह आज की तारीख में बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं। जाहिर है उनकी हर फिल्म अच्छी कमाई करती है, इसीलिए वो अच्छी खासी मोटी रकम भी कमा लेते हैं। लेकिन रणवीर सिंह अपने ड्राइवर को पिछले 2 महीने की सैलरी नहीं दे पाए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। दरअसल पद्मावती के सेट पर जब रणवीर सिंह के ड्राइवर ने उनके मैनेजर से 2 महीने की सैलरी मांगी तो उनका बॉडीगार्ड आकर उसे पीटने लगा और बस सेट पर ही दोनों की जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। इसकी वजह से फिल्म की शूटिंग भी बाधित हो गई। रणवीर सिंह का ड्राइवर पिछले 2 महीने की बकाया 85,000 रुपए की मांग कर रहा था और उसकी बात लगातार मैनेजर टाले जा रहा था। आखिरकार संजय लीला भंसाली को आना पड़ा और उसे विश्वास दिलाया गया कि एक दिन के अंदर उसे बाकी रकम दे दी जाएगी। ड्राइवर को फिलहाल उसकी नौकरी से निकाल भी दिया गया है और ड्राइवर भी फिलहाल इस मुद्दे को यूनियन के पास ले जाने की योजना बना रहा है। इस कंट्रोवर्सी से इतर बात करें तो रणवीर सिंह का पद्मावती में अलाउद्दीन खिलजी का लुक रिलीज कर दिया गया है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।